हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प टू। स्टडी हेल्प टू चैनल रे आउ एक नुआ वीडियो सहित आपमन को स्वागत जनुछि मु महेश। देखि नियंति पिले माने आज रही वीडियो रे आमी माने डिस्कशन करबा को जाउछे दशम श्रेणी इतिहास बही रो जो टॉपिक रही छि भारत छाड़ आंदोलन एवं एथिरे ओडिसा रो भूमिका, यहार इंपोर्टेंट 15 एमसीक्यू जहा कि आपमन को पई एवं आपनकर बोर्ड एग्जाम पई बहुत बेनिफिट होबो, सेति पई मु 15 टी एमसीक्यू आनी छि। वीडियो टी शेष पर्यंत देखिया पई आपमन को मु अनुरोध करू छि। वीडियो जदि भल लागे लाइक करबा सहित संग मान को शेयर करनेबे, आ जदि प्रथम आसी चैनल को सब्सक्राइब करें भाव में एजुकेशनल एवं बेनिफिट हो पार्थिवा वीडियो देखापी। आदि आपण मैंने इंस्टाग्राम रे चाहूँगी आमको फॉलो करने तो देखि नौते इंस्टाग्राम आईडी एटी प्रेजेंट कर देखिए इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो करेंगे। यह हूँ आपण मैं कंप्लीट एजुकेशनल चैनल, सब वे आपण मैंने आम चैनल सहित कनेक्ट हो रुंतु ये भाव में एजुकेशनल वीडियोस हर दिन बा प्रतिदिन पाइबापी। तो चलतु ये सुंदर वीडियोटे आपंपी प्रेजेंट करवा। डियर स्टूडेंट्स, देखि नवा प्रथम प्रश्नटी कौन आप रही है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू रा ड्याश राज्यर बालिया घानीपुर बस्ती गोरखपुर आदि अंचल भारत छाड़ आंदोलन द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होता क्यों राज्यर ता ऑप्शन 4 देखि नवा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश ना कर्णाटक। ऑप्शन 4 भितर ऑप्शन ए हो बिले सही आंसर एवं ठीक आंसर उत्तर प्रदेश राज्यर को जगह मन रखु टी बालिया घानीपुर बस्ती गोरखपुर यह सब अंचल भारत छाड़ आंदोलन बहुत भाव में विशेष भाव में प्रभावित कर प्रभावित होता यह सब अंचल। ठीक अच्छे पिले, यहाँ पूर्व तो आम जाने बहुत गुड़े आंदोलन कथा आलोचना कर विषयवस्तु आम पढ़ी असहयोग आंदोलन एवं आम पढ़ुचे भारत छाड़ आंदोलन बहुत इफेक्टिव होता है यह सब अंचल। प्रथम प्रश्नटी बुझिपाले, नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द्वितीय प्रश्न कौन पिले रही। द्वितीय प्रश्नटी रही तत्कालीन वत मध्यप्रदेश ड्याक्स ठारे समस्त थाना जनसाधारण द्वारा नियंत्रण अधीन नियंत्रणाधीन थिला पहले नियंत्रण अधीन किभली भाव में संधि विच्छेद होती मत निहाती भाव में कमेंट बॉक्स रे जनईद। ठीक अच्छे, नियंत्रणाधीन ताको संधि विच्छेद कले कौन हम ताले आम प्रश्न देखुचे तत्कालीन मध्यप्रदेश से मध्यप्रदेश के समस्त थाना जितक सब थाना पिले थिले ना से लोक मान द्वारा निज नियंत्रण को आनी लोक मैंने नियंत्रण में कंट्रोल रखी नई थे तो यार आंसर कौन हम देखि ना 4 ऑप्शन रही घानीपुर ना नागपुर ना भोपाल ना इंदौर ये 4 भितर कौटा ठीक उत्तर हम पिले मन रखु नागपुर। ठीक अच्छे, नागपुर से मध्यप्रदेश नागपुर ठारे समस्त थाना जनसाधारण निज आयत को आनी नियंत्रणाधीन रही थे आभली आउ गोटे प्रश्न आपण मानक मुझे प्रेजेन्ट करुँ मानी क्वेश्चन टा दे नागपुर क्यों राज्य नागपुर जो अच्छी से अंचल क्यों राज्य अवस्थित बा क्यों राज्य जा क्वेश्चन र आंसर जहाँ रे नागपुरटा कौ राज्य जा आंसर पीले कमेंट बक्स में मत प्रोभाइड करने ट्राए कर। तृतीय प्रश्न देखु 3rd क्वेश्चन ड्यास और ड्यास रे गांधीजी कर मरमंत्र उद्भूत हो जनसाधारण साधारण जनता आंदोलन चालू रखी थे कर मरमंत्र उद्भूत कौ जगह दुईटी अधिक मात्र जनसाधारण प्रभावित होते महात्मा गांधी कर मर डू और डाय जहाँ को आम इंग्लीश कहे से मंत्र अधिक उद्भूत हो साधारण जनता बा साधारण लोक बा साधारण व्यक्ति आंदोलन को चालू रखुले आंदोलन को बंद कौ जगह 4 ऑप्शन देखि ना बिले बंगला और गुजरात महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश ना ऑप्शन सी बंगला और बिहार ना ऑप्शन सी पर ऑप्शन डी होची गुजरात और उड़ीसा क्यों राज्य यह हूँ पिले ऑप्शन सी बंगला और बिहार मन रखिले बंगला और बिहार राज्य में गांधीजी कर मरमंत्र अधिक मात्र जनसाधारण बा साधारण जनता उद्भूत होते से जो आंदोलन चली ता कंटिन्यू रखी थी। देखते पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कौन रहा 4 प्रश्न रहा बिहार रो पटना ड्याश ठारे ये पटना पिले मुझे रखी एटा पटना लिखे यहाँ पटना पढ़े बहरे लिखी पटना आम पटना लिखिदे पटना मन रखिए। ठीक अच्छे, बिहार रो पटना ड्याश ठारे माने पटना रो क्यों अंचल के जातीय पताका उत्तोलन करा बिहार रो पटना ठारे पटनार क्यों स्थान रे जातीय पताका उत्तोलन करा विश्वविद्यालय ना कॉलेज रे ना जिला विद्यालय रे ना सचिवालय रे ऑप्शन डी हे जीव पिले करेक्ट आंसर भलरे मन रखिबे सचिवालय ताले आमे गोटे धाड़ी रे मन रखिले उत्तर टी कोन आसीबो बिहार रो पटना
ପାଟଣା ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ ପାଟଣା ସଚିବାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବିହାରର ପାଟନାରେ ଥିବା ସଚିବାଳୟରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଦେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଏଭଳି ଭାବେ ରହିଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଛାତ୍ରମାନେ, ଏଠେଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଛି, ପାଟନା ପିଲେ ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ନାଁ ନୁହେଁ, ନରିଆକର ନାଁ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିଦେବେ, ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋଟବୁକ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ବା କେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଟନା ସଚିବାଳୟର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ତାହା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ପାଟନା ସଚିବାଳୟର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ କେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବା, 1942 ଅଗଷ୍ଟ 11, 1942 ଅଗଷ୍ଟ 9, 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8, ଶେଷରେ ଦେଇଛି 1942 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ପିଲି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଥମଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ପାଟନା ସଚିବାଳୟର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତ ବା ପଠାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ, ତାହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆସାମ, ଗୁଜୁରାଟ। ଏହା ହେଇଯିବ ପିଲେ କ'ଣ, ଚାହା ବଗିଚା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାହା ହେଉଛି ପିଲେ ଆସାମ। ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଇଁ ବା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବା ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରର। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଥିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିପାରିଥିବେ ଉତ୍ତରଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଏହା ଇଜିଲି ଦେଇପାରିବେ, ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ଥୂଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲେ ହେବ, ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା, ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଜନତା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଲେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଭାବିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ଏହି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବି। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହରତାଳ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଲା, ହରତାଳ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ କରାଯାଇ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହରତାଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସଂଘ ନା ସଭା ସମିତି ନା ଦଳ ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମୁଦ୍ରଣ, ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମୁଦ୍ରଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଛପା ହେବା କିମ୍ବା ଦଳ ଗଠନ କରାଇବା କିମ୍ବା ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ନା ସଭା ସମିତି କରିବା, ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ସଭା ସମିତି, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ସଭା ସମିତି, ମନେ ରଖିବେ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହରତାଳ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଭା ସମିତି କରାଯାଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଥିବେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ସରକାରୀ ଅଫିସ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲେ ବହୁତ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ମୁଁ ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି, ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସରକାରୀ ଅଫିସ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଫିସ ରହିଛି, ଥାନା ଆଉ ତା ସହିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନର ନାଁଟି ଏଠି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାସ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଜନତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ନାହିଁ, ଜନତା ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ, ଜନତା ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇପାରିନଥିଲେ ନା, ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ଏବେ ଆମେ ତ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛେ, ଆରାମରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରୁଛେ, ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛେ, ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ ନା, ଆମର ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଆମେ କିଛି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆମେ କଥା କହିବାର
निजर बाक् शक्ति रखिबार निजर मत रखिबार मध्य व्यवस्था नथिला। इंग्रेज सरकार एमिति हताधर करथिला, शोषण करथिला, बुझिला पले सेति पई साधारण जनता को स्थान को खेली जाइथिले एवं क्यों क्यों स्थान को निज आयत्त को आनीथिले। सरकारी ऑफिस, थाना, रेल स्टेशन एवं एहा भितर कोटा हे जीवो देखिनबा ऑप्शन कोन अछि, कोर्ट बा कचेरी, मद दुकान ना विदेशी लुगा दुकान ना पोस्ट ऑफिस। देखंतु पिले एटा होछि सरकारी कार्यकल एटा द्वारा चली थाए पोस्ट ऑफिस, माने रखंतु ताले उत्तर कोन हबो, पोस्ट ऑफिस, सरकारी ऑफिस, थाना, रेल स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि स्थान बा पोस्टल जोटा कहे जनता क्रोधर रक्षा पाइला ना। 9 नंबर प्रश्न बुझिपारे देखा। 10 नंबर प्रश्न कौन रही, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश सरकार बा इंग्रेज सरकार सभा ओ डैश कहा को सभा ओ डैश को बेआईन घोषणा कले, सभा ता सहित आपणकर पिले कौन देखनी, हम यह भितर देखीद 4टी ऑप्शन कौन रही, हरताल, शोभायात्रा, घर न्यायालय को बेआईन घोषणा करते ना, ए समस्त 4टी जाक यार उत्तर एवं ठीक आंसर टी हम कौन, शोभायात्रा। जो शोभायात्रा बाहर था भारतीय माने शोभायात्रा करूते बेआईन घोषणा करने सहित सभा को सब बेआईन घोषणा कले किए, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार सभा और शोभायात्रा को बेआईन घोषणा करने। 10 नंबर राइट आंसर कौन हम, शोभायात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आ 5टी क्वेश्चन रहा, आपड़ भिडियो शेष पर्यटन देखिए, बहुत भालेबल क्वेश्चन गुड़िक प्रोभाइड कर भिडियो मध्यम। 11 नंबर प्रश्न, लाठी प्रहार और डैश एक साधारण घटना परिणत होला, गोटे लाठी प्रहार होला, इंग्रेज सरकार आमको हताधर करते, इंग्रेज सरकार आमको लाठी चलना करुते, सहित आउ गोटे कौन करते जोटा कि जेनराल गोटे घटना हो जाता साधारण घटना, प्रतिदिन लाठी प्रहार कर सर्वसाधारण जनता निरीह जनता को, जेलदंड, गुड़चाला, बेतराघात ना भूमि उच्छेद, यही 4टी भितर कौन हम पी भूमि उच्छेद मुझे भूमि उच्छेद माने जमी को छड़े ना यहाँ ना ये 4टी भितर कौटा हो पाए करेक्ट आंसर, तो यहाँ मन रखु ऑप्शन बी गुड़चाला, लाठी प्रहार करुले, लाठी में बाड़ते आता सहित गुड़चाला करुले, जिते आम ऑब्जेक्शन करुले आम विभिन्न प्रकार अत्याचार विरोध करुले से गुड़चाला गोटे गोटे साधारण घटना रे परिणत हो जाता आमर किसी कर्तृत्व रही ना आमर किसी स्थिति ना। 12 नंबर प्रश्न देखने, यह गोटे अमानुषिक कार्य चली सरकार निष्ठुर आक्रमण फल सरकार निष्ठुर भाव में आक्रमण करने जो प्राय केते अबाउट 1 लाख बा 1 लक्ष लोक गिरफ होते जिते प्रतिवाद जनइले ना बहुत लोक को गुड़चाला कर मृत्यु सजारे लीन कराइले आत लोक जो मैंने कि गिरफ्र शिकार हेले से गिरफ करागला प्राय के 1 लक्ष मन रखत के 1 लक्ष लोक गिरफ होते। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर प्रश्न कौन रही, चर्चिल का भल नाम एवं संपूर्ण नाम कमेंट बक्स में लिखापे चेष्टा करेंगे पिले, चर्चिल पढ़ा आगु पाठ पढ़ा जाइए से पाठ आप पढ़ी थे ठीक अच्छे पिले, तो 13 नंबर प्रश्न रहिला, चर्चिल केउठी घोषणा कले, कौन घोषणा कले, भारत छाड़ आंदोलन को आम दमन करदेचु, चर्चिल जे प्रधानमंत्री रही थे तो चर्चिल केउठी घोषणा कले, कोई जगार घोषणा कले, कोठी अनाउंसमेंट कले जे आमे माने भारत छाड़ आंदोलन जो करा जाउछि भारतीय मानक तरफ़ ताकू आमे दमन करिछु ताकू आमे प्रशमन करदेचु, कोठी कहते 4टी ऑप्शन देखिनबा, ब्रिटिश अपर हाउस ना ब्रिटिश लोअर हाउस ना ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ना ब्रिटिश काउनसिलर, ऑप्शन सी हो जीव पिले करेक्ट आंसर, मन रखि दियंतु याकु माइंड रे सेटल कर दियंतु, गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यही जगारे भारत छाड़ आंदोलन दमन होइछि बोली घोषणा करागला, किए घोषणा करथिले, चर्चिल, एवं चर्चिल का संपूर्ण नाम कमेंट बॉक्स रे पिले लिखिबा पई अनुरोध करूछि। देखंतु आउ 2टी क्वेश्चन रहिला वीडियो शेष पर्यंत देखंतु, जदि वीडियो टी भल लागी लाइक कर देबे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, ये थिले ब्रिटिश रो प्रधानमंत्री, ए चर्चिल
केते मसिहारे बा ड्यास मसिहारे भारत छाड़ आंदोलन को दमन करा जायछि बोली घोषणा करा गला बा करिथिले ए गुडी को पूर्वरु आमे 13 नंबर प्रश्न रे एभली भाबरे ए सिमिलर क्वेश्चन टिके आनीथिले तो एठे आमे कहिबा जे केबे अनाउंसमेंट कले आपण से डेटटा कहंतु 14 नंबर प्रश्न आपण मानकु प्रेजेंट करा गला अर्थात 14 नंबर क्वेश्चन रो आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे पिले लिखिबे कमेंट जेमति कमेंट बॉक्स भर्ती कर देबे आपण माने पाठ पढिछन कि न पढिछन ता जणा पडिबो पिले तो 14 नंबर प्रश्न निहाती भाबरे तार उत्तर कोन रहूची आपण कमेंट बॉक्स रे क्वेश्चन नंबर 14 लिखिबा पई ट्राई करिवे कोन प्रश्नटी रहीची ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल केते मसिया रे भारत छाड़ आंदोलन को दमन करा जायची बोली घोषणा करथिले चारोटी ऑप्शन देखि नियंतु किबा याकु स्क्रीनशॉट करिक लेखंतु आपण याकु देखिबा परे उत्तर कोन हबो प्रेजेंट करिवे एवं लास्ट क्वेश्चन पिले देखो 15 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 ड्यास और ड्यास रो अभाव जगु भारत छाड़ आंदोलन धीरे धीरे प्रशमित होइतिला धीरे धीरे दबी जाइतिला भारत छाड़ आंदोलन आगो को बढ़ी पारि नथिला यार कारण कोन हबो नेतृत्व बा लीडरशिप एवं अर्थ बा टंकार अभाव ना नेतृत्व और संगठन रो अभाव ना सत्याग्रही मानकर आउ राजनेता मानकर अभाव ना नेतृत्व एवं कर्तव्यर अभाव सबुर अर्थ तो बुझीपारे ऑप्शन चारोटी मध्यरु करेक्ट आंसर पिले हो कौन नेतृत्व ओ संगठन संगठन दुर्बल हेले संगठन ठीक भावे कार्य कलेसत नेतृत्व बा लीडरशिप अभाव होगा हेतु आमर भारत छाड़ा आंदोलन टी आस्ते आस्ते प्रशमित होगला पिले आमे 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कले 15 क्वेश्चन आंसर भितर आपण मानक केतोटी क्वेश्चन आंसर आसीला कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनवाई चेष्टा करिवे डियर स्टूडेंट्स आमे माने 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कले जदि आपण मानक ए भिडियोटी बा ए 15 क्वेश्चन आंसर बहुत बेनिफिट होईची तो लाइक कर देबे भिडियो को सांग मानक निहाती भाव ए भिडियो को शेयर करिवे एवं सांग मानक रेकमेंड करिवे सेमाने मध्य निजर जो फ्रेंड सर्कल अछि ग्रुप अछि सेठी शेयर करिवे जदरकि सेमाने बेनिफिट हेबा सहित सब सांग माने मध्य बेनिफिट हेइ परिवे तो आउ एक नुवा भिडियो सहित आपण मानक प्रेजेंट करिवे पे ट्राई करिवि रहूची पिले माने आपणक दिनटी शुभमय हो आपणक परिवार मध्य बहुत सुखरे रहंतु जय जगन्नाथ।